रीवा की समान थाना पुलिस ने नकली सोना बेचने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। समान थाना पुलिस ने नकली सोना बेचने वाले दो आरोपियों को पकड़ने में पाई सफलता। समान थाना पहुंचकर फरियादी राम लखन सिंह पिता यगराज सिंह उम्र 55 साल निवासी मगना थाना मनगवां फिलहाल नेहरू नगर में रह रहा था। समदड़िया होटल के सामने उसने समान थाना पुलिस में जाकर बताया। समदड़िया होटल के सामने ओवरब्रिज के नीचे सब्जी लेने के लिए वो गया था। वहीं पर उसे दो व्यक्ति मिले थे जो बोले, हम लोग मजदूरी का काम करते हैं, खुदाई के दौरान हम लोगों को सोने की लड़ी झूमर मिली है, उसे बेचना चाहते हैं। तब मैंने उनसे सोना दिखाने के लिए कहा। उन्होंने काले रंग की पन्नी के अंदर से सोने की लड़ी झूमर जैसी चीज़ को दिखाया और एक छोटा सा टुकड़ा दिया, इसे आप चेक करा लीजिए सोना असली है या नकली, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बाजार में उन्होंने कहा था इस सोने के झूमर की कीमत 10 लाख रुपए है, हम आपको 2 लाख में दे देंगे, हमें पैसे की ज़रूरत है। मैंने उन दोनों व्यक्तियों से सोने का टुकड़ा ले लिया और उसको 3000 रुपये एडवांस बतौर दे दिए। इसके बाद मैंने सोना चेक कराया, सोना असली था। मैंने उनसे बात की, पैसे की व्यवस्था हो गई है, सोने का झूमर लेकर आ जाओ। हम लोग एक बार फिर से मिले, उन्होंने सोने का झूमर दिखाया। ये बात है मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल की, वे दोनों व्यक्ति वहीं पर मिले थे जिन्होंने अपना नाम मुखिया राय वीरू कुमार गौतम नगर जिला आगरा उससे सोने का झूमर दिखाने के लिए बोला तो उसने पूर्व में दिए सोने के टुकड़े एवं झूमर दोनों मुझे दे दिए। दोनों में थोड़ा सा अंतर था, तब उसे शक हुआ वह व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। बगल में समान थाना था, उसने कहा मैं पैसे लेकर आता हूँ, पैसे कुछ कम है, 5 मिनट तुम लोग यहाँ रुको। तत्काल ही समान थाने पहुँचा, वहाँ से पुलिस वालों को लिया, वापस आया, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर हमने समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। ये परसों राम लखन सिंह महगना जाने माने कवि हैं और वो सब्जी खरीद रहे थे ओवरब्रिज के पास, तो उनसे दो व्यक्ति मिले, बोले कि हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास कुछ सोना मिला है और हम उसको बेचना चाहते हैं, पैसों की ज़रूरत है। और सैंपल बताओ, उन्होंने एक गुड़िया दिया जो उनको चेक करने के बाबत, और 3000 रुपये एडवांस ले लिया। और जो उनके पास मात्रा थी सोने की, बल्ले सौदा तय हुआ कि 2 लाख रुपए में दे देंगे, मजबूरी है हमारी। तो कल दिनांक को जब उन्होंने फ़ोन किया आरोपियों ने कि पैसा क्या तैयार हो गया है, नहीं हम जाने वाले हैं, बाहर निकल जाएंगे, तो उन्होंने संपर्क किया, जाके देखा कि जो सामान रखे हैं उनको दिखाने की बात आई, तो देखे तो वो कुछ मिसमैचिंग किया असली वाले से अलग, उनको डाउट हुआ, बोले हम पैसे लेके आते हैं कह के थाने आ गए, रिपोर्ट किए। उनके रिपोर्ट के आधार पे फिर पुलिस मौके पे गई, आरोपियों के कब्जे से 1.8 केजी नकली सोना मिला जिसे जब्त किया गया और आरोपियों के विरुद्ध 420-34 की कार्रवाई की गई। आरोपी आगरा के रहने वाले हैं, दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से वो केंद्रीय जेल रीवा भेज दिए गए हैं। ये कब से आया था, कितने लोगों को ठगी की है? उनसे पूछताछ में प्रथम दृष्टया आया कि लगभग 1.5 महीना से वो सतना में कैंप बना के रह रहे थे और मजदूरी करते और ये ठगी का प्रयास कर रहे थे, और इस संबंध में जानकारी उठाई जा रही है, वहाँ भी जानकारी शेयर की गई है। ये आगरा के रहने वाले, ये वहीं से लाके ठगी करने की नीयत से ये घटना करना बताया। वो तो एक कहानी बताएं कि हम मजदूरी करते हैं, मिला है, बाकी ठगी करने के लिए ये। दो आरोपी हैं, दोनों आगरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, दोनों जेल चले गए।